घर बैठे निशुल्क संगीत सीखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। स्वागत है आप सभी का संगीत प्रभा वर्ल्ड में, और इस एक और नए हारमोनियम लेसन में आप समझ लीजिए इसको, या एक लय से रिलेटेड ही सारी चीजें जैसा कि मैं देता रहता हूं, तो ये उसी से रिलेटेड कुछ चीजें हैं। जैसा कि मैं पहले भी कई बार बता चुका हूं कि जब तक कि आप मेंटली लय को नहीं समझ लेते, जब तक उसको प्रैक्टिकली करना पॉसिबल नहीं है। इसीलिए हम सबसे पहले लय को ताल पक्ष से समझते हैं, है ना। जैसा कि कई वीडियोस में बताया जा चुका है कि ताल पक्ष से, यानी कि सभी तालों को अलग अलग लयकारियों में करना होगा, ठाह में, दुगुन में, तिगुन में, चौगुन में, आठगुन में, छहगुन में, डेढ़ गुने में, कुआड़ी में, बेयाड़ी में, पाँच गुना, सात गुना, ये सारी जो वेरिएशन हैं, ये अगर आपने ताल पक्ष से करी हैं तो ये इधर बैठ चुकी हैं। और एक बार लय इधर बैठ गई तो फिर प्रैक्टिकली करना कोई मुसीबत होगी नहीं, है ना। कैसे भी अब मैं आपको कुछ भी चीज़ दे दूँ वो हो जाएगी, क्योंकि और है ही क्या संगीत में लय के अलावा, है ना। स्वरों में भी लय का ही प्रयोग है। आपका जो ख्याल है, आपकी जो ताने हैं, उनमें भी सारा लय का खेल है। अगर लय नहीं आती है तो वो सिर्फ स्वर समझने से आप सिर्फ स्वरों को बोल रहे होगे, उन्हें समझ नहीं रहे होगे। लय संगीत को समझने के लिए ज़रूरत है, है ना। अगर आपको लय आती है तो आप संगीत को समझते हो, वरना आप सिर्फ संगीत आता है आपको, संगीत भी नहीं सिर्फ गीत आता है, क्योंकि संगीत मतलब तो गाना बजाना नाचना हो जाता है, तीनों हो जाता है, है ना। तो आप गाना गाते हो, आप गाना बजा लेते हो, लेकिन उसको समझना अगर है तो लय को समझना पड़ेगा कि कहाँ दो गुना हुआ, कहाँ सिंगल हुआ, क्योंकि तभी जाके कुछ अपने वेरिएशंस आप कर पाओगे। कि मैं चाहता हूँ इस शब्द को ऐसा ना बोल के ऐसे बोल लूँ, जल्दी ना बोल के धीरे बोल लूँ, मेरे हिसाब से कुछ वेरिएशंस कर दूँ। लय आना ज़रूरी है, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो लय तो प्राण है संगीत के, खैर ये तो कई बार बता चुका हूँ मैं, बार बार बोलने की ज़रूरत नहीं है। आज जो टॉपिक हम शुरू करने जा रहे हैं उसी पर बात करेंगे। तो उससे पहले आप सभी तक एक और इन्फॉर्मेशन मैं दे देता हूँ कि हमारा चैनल जो है लगातार नए नए वीडियोस आप तक पहुँचा रहा है, नए एपिसोड्स हैं, नए गाने हैं, गज़ल हैं, गीत, गज़ल, भजन सब हैं, ठुमरियाँ हैं, कवालियाँ हैं। तो ये वर्सेटैलिटी पहले तो हम हमारे वर्क में आपको दिखा रहे हैं, ताकि आपको ये चीज़ समझ आ जाए कि हाँ वाकई हमारा सिलेबस करने से इंसान वर्सेटाइल बन सकता है, यानी हर प्रकार का गायन, वादन, नृत्य वो कर पाए, ठीक है। तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें इस चैनल को, ताकि लोगों को मालूम पड़े कि हाँ वाकई हम कैसा सिलेबस दे रहे हैं, और ऐसा सच्चा संगीत सिखाने वाला चैनल यूट्यूब पे शायद ही कोई दूसरा है। ये आप ही के कमेंट्स है, ये मेरी नहीं, आप ही लोगों की ज़बान है। तो इस लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा इस वीडियो को, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ये कंटेंट आगे तक पहुँचे, और जिनके पास कोई गुरु नहीं है उन तक ये कंटेंट ज़रूर पहुंचे, क्योंकि ये कंटेंट हमारा ओरिजिनल कंटेंट है और हम हमारा दिमाग लगा के संगीत में कुछ ना कुछ आप तक नया पहुंचाते रहते हैं। तो खैर हम शुरू करते हैं टॉपिक को। वही पहला अलंकार है, सारे गम पद निशा सानिध्य पम अगर ऐसा, पहली काली से बिलावल थाट में हम बजाएंगे शुद्ध स्वरण। लय का इसमें क्या खेल होगा, एक शब्द आपने सुना है बीट ऑफ बीट, है ना। बीट टू बीट जो आता है वो, यानी ये जो लय चल रही है ये बीट है। जैसे कि मैं यहां अगर आपको एक टेम्पो लगा के 100 का, है ना, 60 का टेम्पो आपको मैं सुना देता हूं, ये बीट है, ये ऑफ बीट है, यानी उस बीट पे ना मार के उससे हटके, उससे हटके अलग अलग फ्रैक्शंस भी हो सकते हैं, वो उस पर एक अलग वीडियो मैं आपको जरूर दूंगा ऑफ बीट पर। उसके लिए सारे स्टूडेंट्स को प्रिपरेशन ऑलरेडी मैं करा ही रहा हूँ, तो वो एक बार तैयार हो जाए फिर उस पर हम चर्चा करेंगे। मगर ऑफ बीट का एक ही छोटा सा एग्जांपल आपको देता हूँ, बाकी उसके कई वेरिएशंस होते हैं ऑफ बीट के, वो मैं आपको ज़रूर समझाऊंगा, क्योंकि जैसे जैसे लय बदलती है वैसे वैसे ऑफ बीट के वेरिएशंस बदल जाते हैं। ये तो अगर मैं आपको कहूं कि सिर्फ दो गुनी की लय का ऑफ बीट है, है ना, ये दो गुनी है, एक मारना बंद कर दो तो ये दोगुनी की लय का ऑफ बीट है खाली, है ना। इसके बाद चौगुनी लय का भी होता है, जिसमें आप 1/4, 2/4, 3/4 और 4/4, अब 1/4 पे मारोगे तो बीट हो गया, उसके अलावा तीन और हैं उनमें से किसी पे मारा तो वो ऑफ बीट हुआ, है ना। तो ये थोड़ी मुश्किल चीज़ है, बट मज़ा आएगा उसको करेंगे जब, बड़ा ही, क्योंकि संगीत में आनंद है, तो आनंद समझने के लिए ये सारी चीज़ें समझोगे तो आनंद आएगा, वरना जो नॉर्मल मज़ा है जो सब लेते हैं वो तो सब ले ही रहे हैं, हमको वो मज़ा नहीं लेना है जो आम जन लेता है संगीत का, हमें वो मज़ा लेना है जो सिर्फ समझदार श्रोतागण लेते हैं, है ना। तब तो मज़ा है संगीत का, क्योंकि वही सच्चा आनंद है। जो नॉर्मल है वो तो भक्ति भाव आनंद है, आपने कोई गाना सुन लिया उसका फील आपको समझ आ गया वो आनंद है, वो सारा तो ठीक है, वो शब्दों का वो एक रस है वो आनंद अलग है, लेकिन जो संगीत की जो कुछ टेक्निकलिटीज़ का आनंद है वो सिर्फ समझदार लोग ही ले सकते हैं जिन्होंने सही में वो चीज़ सीखी है, तो उसमें मज़ा आता है, अलग ही आनंद है वो भी। तो उसी से रिलेटेड मैं चीज़ें आपको अभी समझाने वाला हूँ। तो पहला अलंकार सारे गम पद निशा, हम इसमें कैसे बदलेंगे,
चीज हमारी जा रही है, मैं आपको एग्जांपल करके दिखाता हूं, फिर आप शायद थोड़ा सा पहचानने की कोशिश कीजिए कि क्या कर रहा हूं मैं। ठीक है, तो ये जो मैंने किया ये मैं ऑलरेडी एक एक्सरसाइज दे चुका हूं, है ना। जैसे मैंने एक अलंकार दिया था आपको, सागर ए ग स रे नि सा, ये एक पैटर्न दिया था और ये आठ मात्रा बनती है, एक दो तीन चार पांच छह सात आठ। फिर मैंने कहा था इसको पूरा बजाओ एक, तो फिर एक एक बीट छोड़ के एक गरे ग सारे निशा, है ना, सा छोड़ दिया, सागर एगा सारे निशा गरे ग सारे निशा। ऐसे करके हमने एक एक छोड़ा और पूरा अलंकार बजाया, उसके बाद हमने दो दो छोड़ा और पूरा अलंकार बजाया, तीन तीन छोड़ा पूरा अलंकार बजाया। तो उसी से रिलेटेड ये है, मैं हर बार कहता हूं और इस बार भी यही कहूंगा कि टेक्निक्स तो मैं देता रहता हूं, यानी मैंने पिछले वीडियो में भी कहा था अभी आप ही के सभी के सामने कि मेरा काम सिर्फ क्लू देना है, दिमाग लगाना आपका काम है कि आप आगे इसमें से क्या इनोवेट करते हो। इनोवेशन आप लाओगे नहीं जब तक तो काम ही नहीं चलेगा, है ना। तो उसी से ये इनोवेशन है कि नॉर्मल पहले अलंकार में ये चीज चेंज कर दिया जाए, है ना। तो अगर मैं यहां पे थोड़ी सी लय आपको दिखाऊं, है ना, ये तो बहुत स्लो हो जाएगी, इसको हम थोड़ा सा बढ़ाते हैं, ठीक है, 16 है। तो ये खैर ये स्लो थी इसलिए आपको मजा नहीं आएगा, लेकिन जब ये यही चीज गति में बसती है, तो उसका मजा ही अलग है। तो ये चीजें हैं, ये कुछ टेक्निक्स हैं जिनका आगे आप कहीं भी यूज कर सकते हो, है ना। इनका ये मत सोचिए कि ये अलंकार सिर्फ अलंकार हैं या ये यहीं तक सीमित हैं, ये जो मैंने जैसा बता दिया वैसा ही करना है, नहीं, ये इन फ्यूचर आपके बहुत काम आएंगी और चीजें अलग अलग जगह काम आएंगी। ऐसा नहीं है कि अलंकार एज इट इज कहीं प्रयोग में लेना है, जैसे कि मैंने बोला तालों की ठा दुगुन चौगुन करते हो, तो ऐसा नहीं है कि आपको एज इट इज कहीं ठा दुगुन चौगुन करनी पड़ती है, नहीं, कहीं नहीं करनी पड़ती है, लेकिन वो हेल्प किस तरह से करती हैं आपकी, तानों में हेल्प आती है, है ना, सरगमों में हेल्प मिलती है जब आप बोल रहे होते हो, तो वहाँ चीज़ें ये मदद करती हैं। अब जैसे एक अलंकार है जो बहुत लोग करते हैं, जैसे ये तो मैं कई बार भी बता चुका हूँ, जैसे सारे गम पद निशा सानी धपा मा गे सा सा रे रे गगा मा पा धा नि सा 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 नि धा पा मा गगा रे रे सा सा, फिर आगे लोग इसके तीन तीन भी करते हैं, सा 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 रे 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 गगा गा मा पा पा धा धा नि सा, उससे मेरे को दिक्कत नहीं है, सा 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 रे 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 गगा गगा मा 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 सा 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 रे 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 गगा गगा गा मा 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 मा, बढ़ाते जा रहे हैं। ये बहुत ही कॉमन है कि लोग करवाते ही करवाते हैं ये अलंकार, लेकिन इनको मैं अलग ढंग से कराता हूं। ये आठ तक जाओ, आठों लयों में जाओ, पहला जा रहे हो तो ठा में जाओ सा रे ग म, दूसरा दुगुन में सा सा रे रे ग ग म म, तीसरा तिगुन में सा 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 रे 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 ग ग ग म म म, चौथा चार गुन में सा 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 रे 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 ग ग ग ग म म म म, पांचवा पांच गुन में सा 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 रे 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 ग ग ग ग ग म म म म म पा 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 पा, तो मजा आएगा ना इनको करने में, है ना, वरना ये सिंपल करने में क्या फायदा। जैसे आपका पहला पेज सारे गम पद नि सा नि ध प म ग रे सा सा रे रे ग ग सारे ग रे ग म ग म प सारे ग म रे ग म प ग म प ध सारे ग म प रे ग म प ध, ये आठ अलंकार इनको भी आठ लयों में करो। समझ रहे हो मैं क्या कहना क्या चाह रहा हूं आपको, कि इस लय और स्वर के ब्लेंड से ही चीजें समझ आएंगी। लय को कैसे ढालना है इन स्वरों में, वो कब कर पाओगे, जब लय में पक्का पन आएगा, तो जब तक लय की मजबूती नहीं है आप यहां ब्लेंड कर ही नहीं सकते।
और लय की पक्कापन नहीं, लय का मजबूती नहीं और ये ब्लेंड नहीं हो सकता, तो आपका संगीत में वो बात नहीं आएगी। जैसे मैंने बोला ना कि दो ढंग से आनंद मिल रहा है, एक तो जो रस है संगीत का, जो भाव है जो आप दे रहे हो, वो तो बिना सीखा कोई आदमी भी भाव दे के गा सकता है आराम से। बिना सीखे जो संगीत को टेक्निकल ढंग से किसी गुरु से नहीं सीखे, वो भी बहुत अच्छा फील दे के गाते हैं और आपको पसंद आ जाता है, आप कहते हैं कि क्या बात है बहुत बढ़िया गा रहा है। लेकिन जो वो आनंद अलग है, और दूसरा आनंद जो एक ढंग से टेक्निकल चीज़ों से सीखा हुआ है उस पर जो एक वाहवाही और ताली पड़ती है ना, वो बात ही अलग है, है ना। माना उसमें सुकून जैसी चीज़ नहीं है संगीत में, दो चीज़ें कह दो, एक तो जो आपको मज़ा आ रहा है और एक आपको सुकून मिल रहा है, ठीक है सुकून, बट ऑफकोर्स उसी से मिलेगा कि जो फील है, जो भाव हैं, जो शब्द हैं, जो अल्फाज गए हैं, गाई जा रही मिठास है जो आवाज़ की, उससे सुकून मिलता है। लेकिन मज़ा जो बात है, जो एक अरे दिल को छू जाएगा, अरे क्या बात है, जो मुझसे क्या बात है निकलेगा ना, वो कभी भी वैसी चीज़ों पे नहीं निकलेगा, है ना। क्या बात है नहीं बोलोगे आप उस पर, आप उस पर यार मज़ा आ गया, आप कुछ नहीं बोलते, आप बैठ के सिर्फ आनंद लेके सुनते हो। लेकिन जहां आपको चाहिए कि कोई बोले कि क्या बात है या वाहवाही करे, तो वहां ये सारी चीज़ें काम आती है, ये समझ लो आप, है ना। दो तरीके से आपको वाहवाही मिल सकती है, एक तो सुकून मिल सकता है, आप सामने वाले को सुकून दे सकते हो अपनी गायकी, अपने वादन, अपने नृत्य से, और एक वाहवाही लूट सकते हो। तो वाहवाही लूटने के लिए ये लय का खेल है, ठीक है। एक तो मैंने ये कॉमन एग्जांपल दिया कि सा 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 रे 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 गग, ऐसे करते हैं लोग। एक बहुत ही कॉमन अलंकार है सा सा रे सा, सा रे ग रे सा, सा रे ग म ग रे सा, सा रे ग म प म ग रे सा, है ना। इसको बहुत लोग करते हैं, सा रे ग म प ध प म ग रे सा, सा रे ग म प ध नि ध प म ग रे सा, सा रे ग म प ध नि ध नि ध प म ग रे सा, सा सा नि सा, सा नि ध नि सा, सा नि ध प ध नि सा, सा नि ध प म प ध नि सा, सा नि ध प म ग म प ध नि सा, सा नि ध प म ग रे ग म प ध नि सा, सा नि ध प म ग रे सा, सा रे ग म प ध नि सा, इसको करते हैं लोग। तो इसे भी हम अगर अलग अलग लयों में करें तो बात वही आ जाती है, घूम फिर के बात वही आती है कि लय को कितना आप समझते हो और लय को कैसे इन्वॉल्व जगह जगह कर सकते हो, वो आपके दिमाग के ऊपर है। तो दिमाग लगाना पड़ता है, है ना। ऐसा नहीं है कि मैंने ही सारी चीज़ें बताऊंगा तो ही होगा, मैंने ही सब चीज़ें बताऊंगा। मैंने आपको लय का अगर रास्ता पकड़ाया है तो इसका मतलब आपके ऊपर है कि आप उस रास्ते से कहाँ कहाँ जा सकते हो। मैंने टेक्निक्स दी हैं तो उन टेक्निक्स का कैसे यूज कर सकते हो। जैसे मैंने नीसा सासा की टेक्निक दी थी, नीसा सासा नी रे 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 नी ग ग ग नी मा 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 नी फा बा बा। अब मैंने तो कहा इसको सिर्फ एक अलंकार, आपने बोला नहीं मैं तो पूरा पेज भी बजा सकता हूं इसमें। ये तीसरा अलंकार आपने मिक्स किया, आप कहेंगे मैं तो दूसरा पेज भी इसमें बजा सकता हूं, है ना। और अलग अलग थाटों में बजा सकता हूं, अलग अलग स्केल से बजा सकता हूं। तो ये क्या है, ये दिमाग है जो आप अपना लगा रहे हैं, है ना। इसमें मेरा कुछ नहीं है कि मैंने ही सिखा दिया है ना, भी मैंने कुछ नहीं सिखाया, या मुझे भी जिसने सिखाया तो उसने भी इतना नहीं सिखाया, क्योंकि ये यही एक सदगुरु की पहचान है, जो पिताजी ने जो ज्ञान दिया या मेरे दादा गुरु ने जो ज्ञान दिया या बोस सर जो हमारे हैं उन्होंने जो ज्ञान दिया, उन्होंने जो क्लूज पकड़ाए हैं। आगे तो हमको ही चलना है ना, तो मैं भी आपको क्लूज पकड़ा रहा हूं। अगर आगे आप खुद मेहनत नहीं करते हो तो वो आपको खुद को सफलता नहीं मिलेगी। खुद को अगर सफलता पानी है तो खुद ही मेहनत करनी पड़ेगी, दिमाग लगाना पड़ेगा, मेरे भरोसे नहीं रहना या किसी के भी भरोसे नहीं रहना। चीज़ें दे दी, अब उस पर वर्क करो, ठीक है। तो लय से रिलेटेड मैंने कुछ हारमोनियम आपको थोड़ा बहुत बता दिया है। अब बार बार ये सारे टॉपिक्स में तो कितनी बार बोलूँ मैं, वो वाली बात आ जाती है। मैं रिपीट तो कर सकता हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मेरे चैनल पर रिपीटेटिव कंटेंट हो जाएगा। यही बात मैंने इसमें भी बोली, उसमें भी बोली, उसमें भी बोली, यही अलंकार। तो मैं बस ये चाहता हूँ कि बार बार वो चीज़ मुझे रिपीट ना करना पड़े, हम नए से नया कंटेंट लाएँ, ये मेरा मोटिव रहता है। तो इसलिए हम थोड़ा लेक्चर्स को लेट ही डिलीवर करते हैं। तो खैर आज का वीडियो मेरे हिसाब से आपको समझ आ गया होगा। तो आप अगर कोई भी सवाल आता है रिलेटेड इससे या फिर और किसी भी चीज़ से रिलेटेड, तो व्हाट्सएप पे मुझे कॉन्टैक्ट करें, मैसेज करें, कॉल ना करें। ओके, धन्यवाद।